नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक मोनोब्लॉक पंप है जो मैक्स कंपनी का है, जो 0.75 किलोवाट का है और 2900 आरपीएम है। 220 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट होता है। ये मैक्सिमम करंट 5 एम्पीयर लेता है। कैपेसिटर जो है 12.5 mFD का इसमें लगता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि इसको कई दिनों से नहीं चलाया गया, तो ये जो है धक्का देने पे स्टार्ट कर रही है, यानी इसकी बैरिंग में प्रॉब्लम है, बैरिंग जो इसकी जाम है। तो आइए हम इसकी बैरिंग और सील बदलेंगे। बैरिंग के साथ हमें सील भी बदलनी पड़ेगी। तो चलिए काम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसको पीछे से खोल लेना होगा। तीनों नट खोलने के बाद दोस्तों हमें हथौड़ी की मदद से जो है यहाँ इसके पीछे ठोकना होगा, जो हमारी मोटर पीछे की आगे की साइड ये आराम से निकल जाएगी। जैसे कि देख रही हैं, हमारी मोटर जो है निकल चुकी है। ये देखिए आप, ये देखिए बहुत ही जाम है। तो हमें इसकी बैरिंग बदलनी है। इस चीज़ को हम बिल्कुल साइड में रख देंगे, इससे हमें कोई काम नहीं है। जो वाइंडिंग वाला हिस्सा है, हमें सिर्फ पंप में काम करना है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा खुल चुका है। तो आइए मैं इसको आगे से भी खोलता हूँ। आगे से खोलने के लिए पहले जो नट में जंग लगे होंगे, हमें इसको जो हल्का हल्का पीट लेना है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हो आप, ये मेरे पेट में खुल चुके हैं। हम इस पर थोड़ी की चोट मारेंगे, ये आगे चैम्बर पे। पेचकस की मदद से यहाँ से इसको जो अलग कर लेंगे। देखिए अलग हो रहा है मेरा ये। अलग हो चुका, इसका भी हमें काम नहीं, इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जो है आप देख रहे हैं, ये पुलर हमें जो है एम्पेलर जो है हमें निकालना पड़ेगा पुलर की मदद से। तो आइए इसको निकालते हैं। पुलर जो हमें ये वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने खराद वाली दुकान से बनवाया है। तो आइए इसका यूज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यूज़ करने के लिए दोस्तों इसको जो है हमें नट का यूज़ करना पड़ेगा। पहले जो इसमें हमें नट कस देने होंगे, चेक कर लेने होंगे इसकी चूड़ियाँ सही है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है इनकी चूड़ियाँ सही नहीं होती है, इसकी बिल्कुल सही है। तो इसका यूज़ करने का तरीका इस प्रकार है दोस्तों। इसको पहले नट जो है ऊपर की साइड खोल लेंगे, ये कम से कम रखेंगे हिस्सा, फिर इसमें लगा के ये ऊपर से नट जो मैंने अभी एम्पेलर में चेक किए थे वहाँ पे लगा देने हैं सेम। तो इस तरीके से इसे कस लेना है दोस्तों, ये जहाँ तक कसे उतना कस लेना है हमें। जितने कस जाए, ज़्यादा नहीं कसना है, वरना हमारा टेढ़ा हो जाएगा। ये जो किसी चाबी की मदद से या किसी कोई सा भी ये नट जो है हमें घुमाना होगा। मैंने सिलाई रिंच ली है। ये देखिए इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा ये एम्पेलर जो बाहर की साइड आएगा। दोस्तों मेरा धीरे धीरे एम्पेलर बाहर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो है मेरा एम्पेलर जो है बाहर आ चुका है। ये दो नट जो है मैंने इसमें कसे थे, ये मेरे निकल रहे हैं और ये ऊपर से घुमाने पे ये खींचता है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसे खोलेंगे पूरा हम। इसकी जो ये देख रहे हैं, ये पत्थर एक ये चाबी लगी हुई है ये लोहे की, इसे हम हटा लेंगे
बगैर नहीं निकले, पेचकस की मदद से हम इसको ऐसे तिरछा करके मारेंगे या रातों। अब इसका जो हम अंदर वाला सामान जो है सारा निकाल देंगे। ये सील है दोस्तों, यहाँ पे एक इसमें लॉक लगा रहता है, लॉक को पहले निकालना होगा। ये हमने लॉक को निकाल दिया दोस्तों, और इसके अंदर तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये सील है। अब हम सील को निकालेंगे। इसको ज़मीन पे पटकना होगा, ज़मीन पे पटक के निकालेंगे। थोड़ी हल्की फुल्की यूज कर सकते हैं वरना ये आगे से फूल जाएगा। अब मैं इसको ज़मीन पे पटक के लाता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए मेरा निकल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं सील पे जो है, इस सापट पे जो है बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है, तो इसको हम छुड़ाएंगे। और ये हमारा बैरिंग भी जाम है, एक बैरिंग हमारा सही है, एक बहुत जाम है, तो हम एक बैरिंग बदल के ही इसका जो है काम कर देंगे। देखिए बाल वगैरह फंसे हुए हैं, एक बैरिंग हमारा बिल्कुल सही है, एक ही आवाज़ कर रहा है, तो इसको बदल करके हम। तो दोस्तों इसे सबसे पहले क्या है, साफ कर लेना पड़ेगा, इसकी सफाई भी बहुत अच्छी तरह करनी होगी, रेगमाल वगैरह मारना पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं आप कितनी धूल मिट्टी निकल रही है, ये देखिए आप। बैरिंग निकाल लेंगे, बैरिंग निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए मैं बैरिंग निकाल चुका हूँ, अब इसको हम अच्छी और अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे रेगमाल की मदद से। थोड़ा प्लास से भी मोटा मोटा छुड़ा देंगे हम इस तरीके से। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरा साफ हो चुका है। अब जो है हम इस पे जो है हल्का सा जो इसकी ये लॉक वाला जो हिस्सा है, इसमें ब्लेड आरी का ब्लेड चला देंगे ताकि वो हिस्सा हमारा अच्छी तरीके से खाली हो जाए। देखिए दोस्तों ये मेरा पूरी तरीके से साफ हो चुका है, देख सकते हैं आप, कोई जंग कार्बन वगैरह नहीं लगा है इसमें। तो आइए अब हम इसकी जो चैम्बर वाला हिस्सा है इसको साफ करते हैं। मैं इसका पत्थर भी जो है निकाल दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये गुलाबी पत्थर है, ये निकाल दिया मैंने। इसके अंदर की रबड़ जो है वो भी निकालेंगे, जी मैंने रबड़ निकाल दी। हल्का इसको भी साफ कर दें। ये हमारा साफ हो चुका। तो आइए हम इसके अंदर जो सील लगाने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास डायमंड कंपनी की सील है, वाटर पंप सील, और 60 रुपये MRP लिखा है, और ये जो है 12 mm की है, 12 mm पे टिक लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसको लगाते हैं, ये किस तरीके से लगेगी। सबसे पहले इसको खोल करके हमें इसका पत्थर लगाना होगा, पत्थर दोस्तों इसे बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये। सबसे पहले इसकी जो है हम रबड़ लगा देंगे, ये इसमें जो है रबड़ जो है ये मेरी रबड़ अच्छी तरीके से लग गई। और जो पत्थर जो है ये गुलाबी वाला पत्थर है, इसके अंदर जो है हम हल्की हल्की मैंने ग्रीस ले ली है, ये किनारे पर लगा करके जो है इसे हम दबा देंगे तो ये हमारा बहुत आसानी से इसके अंदर चला जाएगा।
ये मेरा लग चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसको लगने के बाद हल्का हम प्लास पेचकस की मदद से जो कोई भी सीधा सामान होगा उसको ठोक देंगे, ताकि बिल्कुल बीचों बीच आराम से पूरा पूरा बैठ जाए। ये मेरा बैठ चुका है, तो आइए इसका हम अगला काम करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, हमें इसकी बैरिंग लगानी होगी। बैरिंग जो है मैं SCH कंपनी की ले रहा हूँ, जो 6203 नंबर का है। ये देखिए 6203 और 2RS का बैरिंग है ये, जो SCH कंपनी का है। तो दोस्तों ये मेरा पत्थर देख सकते हैं आपकी लग चुका है अच्छी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सावधानी ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कैसे काम करूँगा। मेन चीज़ आपके सामने अब आएगी। तो सबसे पहले जो मैंने सापड़ साफ कर रखी थी उसके अंदर जो है हम बैरिंग लगाएंगे। ये 6203 का बैरिंग जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ हल्का ग्रीस लगा लेंगे, जो बैरिंग हमारा बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा। मैं इसके लिए एक पाइप का यूज़ करूँगा बैरिंग ठोकने के लिए। दोस्तों ये मेरा बैरिंग ठुक चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये दोनों बैरिंग मेरे कंप्लीट है। एक मेरा सही था और एक जो मैंने ये वाला जो बैरिंग ये बदला है। तो आइए अब हम इसको चैम्बर के अंदर फिट करते हैं। फिट करने के लिए सबसे पहले जो हमें ये है जो सील कट जाती है, पानी रोकने का काम करता है, हमारी मोटर में नहीं जाने देता, ये हमें बहुत ज़रूरी है लगाना। इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे, यहाँ देख रहे हैं अंदर, और जो सापट है हम इधर से जो है डाल देंगे। देखिए अब इसको हम हथौड़ी की मदद से आगे ठोक देंगे। ये देखिए मेरा जो बैरिंग पूरी अच्छी तरीके से अंदर जा चुका है, इसको पूरा इसी तरीके से डालना है, एकदम बराबर रहे कवर के। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर जो सील लगानी पड़ेगी, सील जो है ये 12mm की बेलो सील है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, 12mm बेलो सील है ये। इसके अंदर हमें क्या है, थोड़ा सा ग्रीस लगाना पड़ेगा जो ये स्लिप करके अंदर अच्छी तरीके से जाए। ग्रीस लगाने के बाद जो हमें इस तरीके से जो है ये पत्थर वाला हिस्सा नीचे रहेगा, और ये रबड़ वाला जो जहाँ मैंने ग्रीस लगाया है आप देख सकते हैं ये एक हल्का सा पत्थर लगा हुआ है वो नीचे रहेगा, और ये जो है ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरी सील अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। अब मैं इसमें जो है ये लॉक लगाऊंगा, जैसे कि आप ये लॉक देख रहे हो, लॉक जो है प्लास की उल्टे प्लास की मदद से लगेगा। इसको लॉक प्लास बोलते हैं, इसे दबाने पे ये खुलता है। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ तो आगे से खुल रहा है ये। तो चलिए दोस्तों इसको लगा लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद जो है इसको जो है इसमें इसके दोनों छेदों में फंसा करके दबाएंगे तो हमारा खुल गएगा, और खुलते ही इसे हमें अंदर प्रेस कर देना है। ये देखिए मेरा अच्छी तरह जा चुका है। हल्के हल्के हम इस पर जो चोट मार देंगे दोस्तों, जो हमारा ये लॉक जो है अच्छी तरीके से बैठ जाए, कट में आ जाए। ये मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका। ये जो लॉक जो है ये कट के अंदर बैठना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले जो जिस कट में मैंने ब्लेड मारा था, ब्लेड से सफाई करी थी, उस कट में आ जाना चाहिए। मेरा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है, ये सील लग चुकी है मेरी दोस्तों। अब इसके अंदर हमें ये वाला जो है चाबी, इसको बोलते हैं, ये इंपेलर को रोकने काम करती है, इसको लगाएंगे। ये इंपेलर, ये चाबी जो है दोस्तों इंपेलर को स्लिप नहीं करने देती है। ये देखिए मेरी चाबी लग चुकी है दोस्तों। अब जो है इसके अंदर जो है एम्पेलर लगाया जाएगा। एम्पेलर का ये जो उभरा हुआ हिस्सा ये देख रहे हैं, ये बाहर की साइड रहेगा, और जो प्लेन हिस्सा है वो अंदर की साइड रहेगा। तो चलिए इसको लगाने का, ये चाबी जो देख रहे हैं और एक इसके अंदर जो ये कट बना हुआ है, ये सेम चाबी इस कट के अंदर आनी चाहिए, जो ये आप कट देख रहे हो। ये देखिए इसको हल्का हल्का ठोकेंगे।
जी देखिए मेरा अच्छी तरीके से जा चुका है, हल्का बाहर है दोस्तों, इसको हम और ठोकेंगे। मैंने ठोक लिया दोस्तों, ये मेरा आ चुका हल्का। अगर टकरा रहा हो तो हम जहाँ से टकरा रहा है वहाँ हल्का प्लास पेचकस की मदद से उठा देंगे, तो टेढ़ा होने की वजह से ये हमें उठाना पड़ेगा। ये देखिए मेरा हल्का यहाँ पे ही फंस रहा है, तो मैं यहाँ पे भी हल्का दब उठा दूँगा तो मेरा टकराना बंद हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा टकराना बिल्कुल बंद हो चुका है, तो सील का काम हो चुका है दोस्तों और बैरिंग भी हमारा लग चुका है। तो आइए हम इसको जो फिट करके दिखाते हैं। फिट करने के लिए हमें जो चैम्बर जो लेना पड़ेगा, रबड़ हमारा देख सकते हैं, रबड़ ये ज़रूर है लगाना, रबड़ ये मेरा बिल्कुल ख़राब नहीं है तो मैं इसे रहन दूंगा। और इसके अंदर फिट करने के लिए जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, एक ये ऊपर ये हल्का सा लोहा बाहर निकला हुआ है ये, और जो ये मोटर का जो ये वाला हिस्सा है जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला हमें इसी की तरफ रखना है। जैसे कि मेरा ये ऊपर की साइड है और मेरा ये है, तो मैं ये ऊपर की ही साइड लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों ये मेरा लग चुका, इसमें हम नट कस देंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने खोले थे। इसको बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना है हमें, ये लूज ना रहे, लूज रहेगा तो हमारा लीकेज होगा। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से कस दिया है दोस्तों, ये मेरा लगभग फाइनल हो चुका। अब इसे जो है मैं इसका जो है मोटर वाला हिस्सा जिसमें मोटर रहती है वो लगा, देख रही है मैंने मोटर वाला हिस्सा ले लिया है, तो आइए मैं इसको लगा देता हूँ। जो ये पैर वाला हिस्सा है दोस्तों ये नीचे रहेगा, ये तो आप आराम से समझ सकते हैं। मेरा आराम से आ चुका है, ये देखिए दोस्तों अब इसमें तीनों नट कस दूंगा मैं। ये मैंने अच्छी तरीके से बिठा लिया, नट कसेंगे तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तीनों नटों को कस लेना है, तो आइए दोस्तों मैं इसे चेक करके फाइनली दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको हल्का सा लगा के देख लेंगे स्टार्ट है या नहीं, और फिर इसका मैं प्रेशर, ये मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से जो सही हो चुका है। तो आइए मैं इसमें पानी डाल के इसका प्रेशर चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ हमें हाथ रखना है और ऊपर की साइड से जो हमें पानी डालना है, पानी से पूरा भर लेना है इसको दोस्तों हमें। दोस्तों की जैसे देख रहे हैं मैंने पानी भर दिया इसको, मैं स्टार्ट करूँगा तो देख सकते हैं आप ये मेरा ये हाथ बिल्कुल नहीं खींच रही है, मोटर जो मेरे हाथ से बिल्कुल चिपक चुकी है। देखा आपने दोस्तों कितनी आसानी से कर दिया मैंने इसको, तो आप भी इसको आराम से समझ के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।